हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सी प्रोग्राम रन होने के बाद आप कैसे ह्यूमन फेस को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आपका जो आउटपुट स्क्रीन है उस पे से ह्यूमन फेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होने चाहिए, पहले फाइव हेडर फाइल होने चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, ये ST.h है, Conio.h है, ये Graphics.h है, ये Math.h है। ठीक है, ये पाँच ये फाइव हेडर फाइल्स जो होते हैं उसको मैंने पहले लिख लिया। इस हेडर फाइल से जो फंक्शन है वो हम काम चला लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए ये सब हेडर फाइल से हम काम चलाएंगे, लेकिन पहले उसके पहले क्या होने चाहिए, ये जो देखिए यूनिट ग्राफ होती है, यूनिट ग्राफ से क्या होती है, जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको टेक्स्ट मोड से BGI सिस्टम के थ्रू से आप ग्राफिक्स मोड पर लेके जाते हैं। ठीक है, जो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है उसके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन फेस है उसके उसका जो राइट साइड और लेफ्ट साइड उसको बनाने के लिए पहले आप इलिप्स फंक्शन ले लीजिए। ठीक है, इलिप्स फंक्शन के थ्रू से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इलिप्स फंक्शन में सिक्स पॉइंट्स होते हैं। पहला जो दो पॉइंट होते हैं वो होते हैं एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। ठीक है, तो एक्स पॉइंट साइज ले लीजिए 150, सॉरी 150 नहीं, 250 ले लीजिए, और वाई रेडियस वाई पॉइंट जो होते हैं वो उसको ले लीजिए 200। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जो एंगल होती है, एंगल आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जो आपका इलिप्स होगी, इलिप्स ड्रॉ होगा वो 0 डिग्री से आगा 360 डिग्री तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो 0 से आप 360 लीजिए, तो ये लिख लीजिए। तो इसके लिखने के बाद आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरा इलिप्स ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर आप उसको हाफ इलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो 100 जीरो से 180 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर दीजिए, जो दो पॉइंट है उसके बाद दो पॉइंट है, एक्स होती है वाई एक्स रेडियस और वाई रेडियस। तो इलिप्स बनाने के लिए पहले जो एक्स रेडियस होती है उसको बड़ा होना चाहिए वाई रेडियस से। तो आप इलिप्स, तो अगर ये 100 होती है, सॉरी 100 होती है, तो उसके बाद ये वाई रेडियस जो होते हैं उसको 60 कर लीजिए। ठीक है, कम होगा थोड़ा वाई रेडियस एक्स रेडियस से। तो देखिए ये ड्रॉ हो गया अब इलिप्स। ठीक है, लेकिन ये हाफ इलिप्स होगा। ठीक है, हाफ इलिप्स हो गया। अब देखिए, अब पूरा इलिप्स करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो एक्स रे एंगल जो है, एंगल 0 से 180, इसके ऑफ 360 कर दीजिए। ठीक है, 360, तो ये पूरा इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हो गया। तो अब ह्यूमन फेस को इसके कैसे बनाएंगे। ठीक है, ह्यूमन फेस बनाने के लिए पहले क्या होनी चाहिए, देखिए ये जो है इसको आप 90 डिग्री से 180 कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए ह्यूमन फेस का जो है वो लेफ्ट साइड होगा राइट। ठीक है, लेफ्ट साइड 380 ने 270 कर दीजिए। ठीक है, और इसका जो एक्स रेडियस है थोड़ा कम कर लीजिए, तो एक्स रेडियस होती है जो उसको हम 60 कर लेते हैं, और ये वाई रेडियस को बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमन फेस का जो लेफ्ट साइड है वो हो रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा हो गया ये, इसलिए इसको हम ये सॉरी ये 60 के ज़्यादा 600 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए हो गया एक ह्यूमन फेस का जो लेफ्ट साइड और राइट साइड हो रहा है। ठीक है, अगर राइट साइड बनना चाहते हैं तो और भी ऐसे हिल्स बनाएंगे, लेकिन ये जो एंगल है वो कहाँ करेंगे, ये इसको आप -90 से +30 तक कर सकते हैं, या 30 या +90 कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप नेगेटिव एक लगा लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव दे दीजिए, और यहाँ पे शायद 70 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो लेफ्ट पॉइंट हो ये आवर राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से आप जो फेस ड्रॉ हुआ था आपको राइट साइड ड्रॉ होगा। ठीक है, देखिए हो गया। अब इसको 90 करते हैं पूरा, तो पूरा होगा। ठीक है, अब इसको एक्स रेडियस के थ्रू से बड़ा कर सकते हैं, इसको आप 100 ले लीजिए, तो ये थोड़ा और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो जाएगा। तो मैंने ऐसे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, दिखाते हैं, जिसमें एक ह्यूमन है और एक एक गर्ल और एक बॉय है। ठीक है, दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर
फिल एलिप्स फंक्शन है क्या है मैंने, तो यहाँ पर फिल एलिप्स पर फोर पॉइंट्स होते हैं। पहले दो पॉइंट्स होते हैं जो एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, और दूसरा जो होते हैं वो एक्स रेडियस और वाई रेडियस, ठीक है। और ये बार फंक्शन जो होते हैं, बार फंक्शन के थ्रू से आप एक रेक्टेंगल कर सकते हैं, या रेक्टेंगल या कोई भी फोर्थ ट्राइंगल, ठीक है, फोर्थ एंगल होगा, ठीक है, मतलब आपका जो बार होगा उस पर कलर कर सकते हैं। सेट फील स्टाइल से आप कलर कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर से आप कलर कर नहीं कर सकते, ठीक है, कलर ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करते हैं, ये लाइन जो फंक्शन है इसके आप जो पॉइंट है यहाँ पे टू पॉइंट्स, एक्स पॉइंट एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू, दो पॉइंट, ठीक है, और दो पॉइंट जोड़ लीजिए तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इलिप्स फंक्शन लिखा है, ये देखिए नोज ड्रॉ करने के लिए मैंने इतनी सब फंक्शन लगाया है। तो ये पिक्चर, ये जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, इसको करने के लिए वन डे लगे मुझको, ये आई बनाने के लिए ऐसे किया है, ठीक है, ये लिप बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो आप कंपाइल इसको कर सकते हैं, सॉरी देखिए आप कंपाइल हो जाएगा, तो ये होते कंपाइल। अब रन होने के बाद क्या करते हैं, पहले देख लीजिए दो ह्यूमन फेस हो गया, ठीक है, और ये व्हाइल नेगेशन के भी से ये जो कलर होते हैं ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है, अपर जो कलर है, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पर एक लिखा हुआ है डीएम और एसएनएन, ठीक है, ये मेरा नाम है और कोई और एक का नाम है, ठीक है। तो ये फंक्शन पहले से हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है लिखा है, यहाँ पर लिखा है आउट टेक्स्ट एक्स वाई, यहाँ पर अगर आउट टेक्स्ट एक्स वाई देते हैं तो ये मूव टू फंक्शन लेन चाहिए, यहाँ पर 1035 लगा दिए और यहाँ पर एक्स वाई दे दीजिए, ठीक है, ये मूव टू द नहीं चलेगा, यहाँ पर डीएम रख दीजिए, ठीक है, तो ये भी रन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बताया था हमने एकदम एंड पर, ये देखिए वाइल नेगेशन के भी हिट से हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वाइल नेगेशन के बीच है वो जो एक्स पॉइंट है और आई पॉइंट दो, यहाँ पर जो एक्स एक साइंस फंक्शन होते हैं, साइन फंक्शन, ये होती है क्या, जो एक्स इंटू टी माइनस एक्स इक्वल्स टू ए स्टार टी माइनस कॉस टी एंड वाई इक्वल्स टू बी माइनस ए माइनस ए स्टार वन माइनस साइन टी, ठीक है, ये दो फंक्शन होते हैं। ये यहाँ से आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये जो होते हैं जो साइन ग्राफ होते हैं उसके जैसे होगा, लेकिन ये ड्रॉ होते नहीं, देखिए साइन ग्राफ होते क्या, एक जीरो पॉइंट पे जीरो, एक नाइन्टी पॉइंट से वन, ये होते हैं ना ऐसी, बिल्कुल है, देखिए साइन फंक्शन ओपन पे अबव पे हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।